एवरीवन, वेलकम टू बेसिक थेरेपी। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। लाइफ में कोई भी चीज़ अगर इजी करनी हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिमिलरली, जो भी हमारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको इजीली सॉल्व करने के लिए हम उनको करेंगे सिंप्लीफाई। तो आइए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन की मेथड्स। सिंप्लीफिकेशन में आपको बस एक बेसिक चीज़ याद रखनी है, वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कोई भी अगर आपको इक्वेजन दिया जाए तो उसमें आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स देखने हैं, फिर उसमें डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ एन नंबर्स। उसका फॉर्मूला था एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ब्रैकेट्स भी है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है। अगर हम इनके वैल्यूज असाइन करें, जैसे ए इक्वल टू अगर हम ले 2, डी इक्वल टू 1 ले एंड एन इक्वल टू 10 ले, तो ये बस एग्जाम्पल है। तो देखते हैं 10 बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 1। तो अभी हम देखते हैं बोर्ड मास कैसे इस पे अप्लाई होता है। तो पहले बोर्ड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट सॉल्व करो। सो यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कौन सा है, तो ये है। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे जो है 10 डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 आएगा 9 इंटू 1। फिर आता है हमारा डिविजन, पर डिविजन कि पहले हमने सारे ब्रैकेट सॉल्व किए क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या अप्लाई होगा, सबसे पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है बिफोर एडिंग दीज टू टर्म्स, सो हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। सो 10 बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2 टू जा 4 प्लस 9 वन जा 9। फिर आता है 10 डिवाइडेड बाय 2। अभी वापस हमने ब्रैकेट देखना है क्योंकि ब्रैकेट हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर अभी बस एडिशन बचा है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो आएगा 13। अब देखते हैं बोर्ड मास क्या कहता है वापस। ब्रैकेट ऑफ, अभी ब्रैकेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए है, तो ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो अब आएगा डिविजन। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, तो आएगा 5 इंटू 13। फिर बचा है मल्टीप्लीकेशन, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 1 65। तो दिस इज आर करेक्ट आंसर। अगर आप इस मेथड में कोई भी इधर का उधर कर दे, जैसे पहले आपने इसको ऐड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो हमने बोर्ड मास मेथड का ही फॉलो करना है। जैसे सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट सारे ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर भी वही रूल अप्लाई होता है। अगर मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, तो समझ नहीं आएगा कि क्या करना है पहले। तो अपने बोर्ड मास को देखना है कि डिविजन करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करनी है और फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यू विल हैव टू फॉलो दिस रूल थ्रू आउट। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आता है पेमडास मेथड। ये एक यूएस कंसेप्ट है जिसमें पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड मास में हम करते हैं डिवीजन पहले फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंड पेमडास में मल्टीप्लिकेशन पहले और फिर डिवीजन है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बाद में ये बताया गया था कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एक ही लेवल पे होते हैं, आप पहले करो या बाद में करो, इट्स द सेम। सो पेमडास एंड बोर्ड मास दोनों ही एक ही चीज बोलते हैं, द सीक्वेंस ऑफ दिस। तो पहले करना है पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंशियल मतलब अगर कोई चीज किसी रेस टू है, एक्स स्क्वायर करना है या क्यूब है, तो पहले आप वो करोगे, फिर आप करोगे आइदर मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, विच एवर कम्स फर्स्ट, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। दिस इज वॉट पेमडास सेज। Let us understand PEMDAS with an example. If you are given 4 square into bracket 8 plus 4 into 5 minus 2, तो कैसे करोगे? तो PEMDAS says parenthesis मतलब brackets पहले करने हैं। तो let us solve brackets first. But brackets में भी हमें क्या था? M D A S, that is multiplication, division, addition and subtraction.
तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो है, तो लेट अस सॉल्व मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट. सो वील हैव 4 स्क्वायर बाय 2 इनटू ब्रैकेट 8 प्लस 4 5 आर 20 माइनस 2. नेक्स्ट कम्स इज एडिशन इन द ब्रैकेट्स. सो वी हैव नॉट डन विद द पैरेंथेसिस येट, सो वील सॉल्व ब्रैकेट्स फर्स्ट. सो 8 प्लस 20 इज व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ. सो 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू ब्रैकेट 28 माइनस 2. We are not done with the bracket yet and we are left with subtraction. So that is our only option left. So let us do it. So 4 square divided by 2 and we have multiplication. Bracket means multiplication. So 28 minus 2 is 26. Now we'll do exponential as e in the PEMDAS. So that is 4 square karenge pehle. So 4 4s are 16. 16 divided by 2 into 26. Then we have division. So we can divide this first, that is 8 into 26, which is equal to 208. I hope the difference between PEMDAS and BODMAS is clear to you. It is same, one and the same, just PEMDAS includes exponential and the word bracket is substituted by parenthesis. Multiplication and division stands on the same line, that's why the inversion, if you change the priority, doesn't matter. And then we have addition and subtraction. Now that we are learning simplification, I'd like to introduce you to the concept of modulus. So modulus is denoted as two vertical lines. So any number in between these vertical lines is denoted as positive. For example, if modulus of minus 3 is 3, modulus of positive 3 is also 3. So modulus, what it does is, ये कोई भी नंबर अगर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है. अगर आप किसी निगेटिव नंबर का मॉड्यूलस लोगे तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है. सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स BODMAS और PEMDAS अंडर वर्नाक्युलम और पार. मतलब अगर कोई इक्वेशन दिया जाए और उसमें बार वाला कंसेप्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा इक्वेशन दिया जाए बी माइनस ए माइनस बी बार, और इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम बार वाला सॉल्व करेंगे. भले BODMAS यूज कर रहे हो या PEMDAS कर रहे हो, उसमें दोनों में अगर बार है तो पहले बार करेंगे फिर BODMAS एंड PEMDAS का ऑर्डर फॉलो करेंगे. अब देखते हैं बार होता क्या है. बार मतलब कॉम्प्लीमेंट, वर्नाक्युलम एंड बार जब हम किसी नंबर पे ऐड करते हैं तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट नंबर यूज करना है. जैसे इस केस में a माइनस बी का बार है तो हमें लिखते वक्त इसको नेक्स्ट इक्वेशन में ये होगा b माइनस ए प्लस बी, दैट इज ऑपोजिट होगा. ये हमने देखा था इरेशनल नंबर के केस में, हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल Q से एंड इरेशनल नंबर उसका ऑपोजिट होता है, इसलिए हम उसको Q बार से भी डिनोट करते हैं, Q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं. तो हमें बस उसका अपोजिट करना है. नंबर्स के केस में अगर माइनस 3 बार दिया जाए तो हम उसको बस 3 कर देंगे. So this is what the concept of vernacular or bar is in terms of BODMAS or PEMDAS. I hope this is clear to you all. So based on the concepts of simplification, I have designed a comprehension for you. You know the drill. All you have to do is open your notebooks and solve this comprehension and check the answers in the next slide. These are the answers for the comprehension that you attempted today, and I'm excited to know how you're growing with me. So do mention the scores in the comment box below. If you're enjoying learning with me, please show some love by liking, sharing and subscribing to my channel. And don't forget to hit the bell icon down below to get notified every time I post a video. Thank you for your practice.